नमस्कार, मैं संदीप केडिया। आज नेताजी के एग्जिट पोल में हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले की मंडावा विधानसभा में और फिलहाल हम खड़े हैं मंडावा कस्बे में। मंडावा के कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, थोड़ा बताएं मंडावा को लेकर पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुआ है, कुछ क्या बाकी रह गया? काम तो कुछ नहीं हुआ। एक तो सरकारी कॉलेज जो लड़कियों की खुली वो मंडावा में खुलनी चाहिए थी, उससे बड़ी तकलीफ होती है। खालासी से बच्चे पहले मंडावा आती है, फिर रतमसर जाती है, ठीमोली से बच्ची आती है, कुहाड़ू से बच्ची आती है। पहले अपने गांव से मंडावा का साधन देखती है, फिर मंडावा से तमसर का देखती है। वापसी कमा भी उसको वही दिक्कत होती है। सबसे कमी तो एक कॉलेज की है मंडावा में। और कुछ काम भी हुए हैं 5 सालों में? और कुछ ऐसा काम तो नहीं हुआ। सरकारी मशीनरी के सरकारी जो काम होते हैं वो तो रूटीन के काम होते ही हैं। क्या मानते हैं, क्या यदि 5 साल के आगे वाली सरकार आए, कोई भी आए, विधायक आए, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए मंडावा को लेकर? मंडावा का विकास होना चाहिए। सरकारी कॉलेज है लड़कियों की, सरकारी कॉलेज बॉयज की है, वो होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो परेशान होते हैं सरकारी कॉलेज के लिए। यहाँ विधायक के दावे हैं कि इतना विकास हुआ है कि कई सालों में नहीं हुआ, कई कॉलेजें खुलवा दी, सड़कों का जाल बिछा दिया, उन दावों में कितना दम है? वो केंद्र की जो बड़ी रोड बनी है नेशनल हाईवे की, वो तो केंद्र की योजना है, राजस्थान सरकार की कोई योजना नहीं है उसमें, विधायक जी का कोई योगदान नहीं है उसमें। आप बताएं 5 सालों के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं विधायक? कार्यकाल तो देखो, विधायक की जनता ने वोट दिया, विधायक को जिताया, तो इस जगह अगर भारतीय जनता पार्टी का होता तो विकास कार्य तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी करवाते। और अगर विधायक जी लंबे समय तक राजस्थान में कांग्रेस के राज रहा, मंडावा से भी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी रही है। एक तो जो ये रेल लाइन है, मंडावा कस्बा रेल से नहीं जुड़ा, बड़ा कस्बा है, खूब संपन्न है, तो यहाँ भी अगर रेल लाइन आ जाती, बिसाऊ से जुड़ जाती, सीधी चूरू से जुड़ जाती, सीकर से जुड़ जाती, ये भी अपनी मनमर्जी की है सरकार ने। रेल लाइन होनी चाहिए थी, यहाँ काफ़ी समय पहले ही होनी चाहिए थी। जैसे लक्ष्मणगढ़ है, रामगढ़ है, झुंझुनू है, यहाँ के भी सेठ बड़े हैं, तो ये रेल लाइन नहीं जुड़ने के कारण मंडावा छोड़ के अन्यत्र कहीं कलकत्ता है, बॉम्बे है, और है ना अपना बिजनेस फैलाया, तो वो बिजनेस यहाँ भी हो सकता था। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट की कमी है, और लंबे समय तक रहा है उसके बावजूद ये कमी है। और क्या मानते हैं 5 सालों में कुछ काम हुए भी हैं या नहीं हुए? देखो, ये रूटीन का काम है, जो सरकार का काम है वो तो हर विधायक दूसरा होता वो भी करवाता। बाकी जो ये कॉलेज का काम किया है अपने गांव में है, वो मंडावा विधानसभा क्षेत्र है, वो मंडावा में ही होना चाहिए था। हम मंडावा कस्बे की बात करें, मंडावा तो कस्बे में कोई कॉलेज वगैरह नहीं खुला गया? कस्बे में एक निजी प्राइवेट कॉलेज है, कस्बे में कॉलेज नहीं है। काफी डिमांड थी कि मंडावा कस्बे में, सब वो एतम सरवाणी में भी लोगों ने विरोध किया था कि मंडावा कस्बा सेंटर में, उधर मलसीसर है, इधर ये चूड़िया जीतगढ़ बड़ा कस्बा है, मंडावा में होती तो हर साइड से सड़कों का लिंक था, लड़की लड़कों को आने जाने में असुविधा नहीं होती। एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोली है मंडावा में? हाँ जी, एग्रीकल्चर कॉलेज वो भी दूर है तो मंडावा से, मेन शहर में तो है नहीं, मंडावा शहर में तो है नहीं, वो भी 4-5 किलोमीटर दूर है। काफी शूटिंग हुई है मंडावा में, लेकिन फिल्म सिटी के तरह से या पर्यटन की दिशा में आपको लगता है पिछले 5 सालों में कोई काम हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये नाम तो सुनते हैं, पहले भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं, बना तो कुछ है नहीं। यहाँ आते हैं खूब नेता अभिनेता, यहाँ रुकते भी हैं, लेकिन फिल्म सिटी इंडस्ट्री के हिसाब से वैसे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हो तो क्या फायदा मिले यहाँ के लोगों को, कस्बे के लोगों को? तो ये पर्यटन की दृष्टि से लोग बाग आते हैं, अगर ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ कुछ करती तो पर्यटकों की संख्या और बढ़ती, यहाँ का उद्योग धंधा व्यापार छोटे व्यापारी सबको सहायता सुविधा तो मिलती। कस्बे की गलियां भी देखी, सड़कें भी देखे, वहां पर भी कुछ विकास नहीं हुआ, क्या लगता है? विकास नहीं हुआ सब, मंडावा शहर में किसी भी कोई भी गली कहीं भी चले जाओ, मेन रोड है वो भी कल बनी है चुनाव नजदीक आने के बाद, अभी तो काम भी चल रहा है, पूरा भी नहीं हुआ, फिर भी काफी कीचड़ है, पैदल आदमी तो निकल ही नहीं सकता। आप क्या कहेंगे मंडावा कस्बे के विकास? कस्बे में विकास तो कोई हुआ नहीं, रूटीन के काम हो रहे हैं बस, विधायक जी ने कोई नया काम तो किया नहीं है। आप बताएं क्या सोचते हैं मंडावा को लेकर? मंडावा को लेके जवाब दूं या विकास को लेके जवाब दूं? दोनों 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 विकास की बात तो अगर आप करना चाहें
तो मैं मोस्टली विकास के नाम पर ये बताऊं कि झुंझुनू जिला राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी माना जाता है, और बच्चों के साथ युवाओं के साथ इस तरह का कांग्रेस सरकार द्वारा इस तरह का भद्दा खिलवाड़ किया गया, इतने से पेपर्स आउट हुए। हमारी विधायक महोदया अगर बच्चों के प्रति युवाओं के प्रति अगर सजग रहती, विधानसभा में किसी प्रकार का कमेंट्स करती तो मैं उसको धन्यवाद देता, लेकिन इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स नहीं किया गया, इसलिए मुझे लगता है कि मैं किसी विकास की तुलना करूं। दूसरी बात, अगर विकास की का अगर आप चर्चा करना चाहें, गणना करना चाहें, तो ये जो जन कल्याणकारी जो योजनाओं का जो नाम दे रखा जनता को प्रलोभन के लिए, जनता को प्रलोभन देने के लिए जन कल्याणकारी जो योजनाएं जनता के सामने रखी गई हैं, क्या ये साकार साबित हो सकती हैं? क्या इनका रिजल्ट है वो प्रभावशाली हो सकता है? ये जनता को बरगलाने के सिवा और कुछ नहीं किया इसको कांग्रेस सरकार ने और विधायक महोदय ने। ये विकास के जो हैं ये बजट मिलते हैं इनको करना पड़ता है साहब, करेंगे, लेकिन ऐसे आयाम तो बताइए न। सबसे बड़ी बात तो मैं ये रखना चाहता हूँ कि विधायक महोदय के सामने कि ये युवाओं का जिला था, इनके साथ किस तरह का खिलवाड़ किया गया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या आई है तो झुंझुनू जिले में आई है, इस तरह का कोई विचार ही नहीं किया गया। यानी कि पेपर लीक हुए लेकिन विधायक कुछ नहीं बोले। नहीं, विधानसभा में कमेंट्स देखिए ना आप, कभी भी अगर कमेंट सुनने में आता तो मैं उसको हार्टली धन्यवाद देता। विधायक दावा कर रही है कि मैंने यहाँ पर 3-4 कॉलेजें खोल दी, और कॉलेज रूटीन का काम है, गवर्नमेंट खुलवाती है, जनता के अग्रणी लोग हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनका स्टेप होता है कि वो किसी भी तरह से सरकार के पास अपनी डिमांड रख देते हैं और मान्यता ले लेते हैं। उसी तरह का महाविद्यालय मंडावा में खुला है, इसमें किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट का विशेष रोल कौन सा है? गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग बना के दी है क्या यहाँ कि ये हमारा विद्यालय? ऐसा तो नहीं है। इसके अलावा क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतने के लिए साहब आजकल में कई काफी हार्डली बातें आती हैं, मैं सभी बातों को शेयर नहीं करना चाहता आपसे। प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए काम के काम को लेकर? प्राथमिकता डेवलपमेंट होता है, लेकिन डेवलपमेंट एक पॉजिटिव माइंड रख के किया जाता है। एज ए मैन थिंकेथ इन इज हेड सो इज ही, इस तरह के माइंड्स की अगर वो प्राथमिकता लेके अगर कोई विधायक काम करता है तो उसकी सराहना की जाती है, उसकी उनकी सराहना की जाती है। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ कुछ लोग, आप बताएं मंडावा को लेकर क्या सोचते हैं, 5 सालों में कुछ काम हुआ है क्या नहीं? हम तो बहुत पूरा के भैया मंडावा क्या बताएं, वाइदपुरा का बता दो, वाइदपुरा में काम हुआ है कुछ? कुछ नहीं हुआ। विधायक कह रही है कि मैंने बहुत विकास किया। कुछ नहीं किया वो, विधायक अपने घर में रहे। बताओ क्या रहा? देखो मेरी बात सुनो, इसमें ये हो रहा है जिसके पास चलती है उसका तो काम हो रहा है, और जिसका बाबला गरीब आदमी उसका कुछ नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यही है। क्या काम करते हैं आप? मेरी दुकान है। तो मंडावा कस्बे में क्या सोच नहीं है? कुछ नहीं है, धंधा चौपट हो गया। और ये देखो जगह जगह खोद के खड्डा कर दिया, हो गया छुट्टी। वाइदपुरा को लेकर क्या मानेंगे? वाइदपुरा के आसपास के जो गांव है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ 5 सालों में विधायक ने कोई काम नहीं किया। ये कोई नहीं किया। ये थे हमारे साथ कुछ लोग मंडावा के, जिन्होंने कहा कि जो हेतमसर में कॉलेज खुली है वो भी मंडावा में खुलनी चाहिए थी। इसके अलावा जो विकास की जो दावे विधायक द्वारा किए जा रहे ऐसा कुछ धरातल पे नहीं। अब हमारे साथ कुछ युवा बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या मानते हैं मंडावा के विकास को लेकर। आप कहाँ के रहने वाले हो? किसारी से। हाँ। क्या मानते हैं कि 5 सालों में विधायक ने या फिर सरकार ने कोई काम किया है? जो भी मन में है कैसा लग रहा है आपको कि कोई विकास में का काम हुआ है क्या? हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। क्या क्या काम हुए आपके गांव में, आपके आसपास में? गांव में तो सड़क बनी है और आसपास में मंडावा का क्षेत्र थोड़ा सड़क वगैरह अच्छा काम किया, नाले वगैरह का पानी निकासी का व्यवस्था है वो बस। पेपर जो लीक हुए उससे युवाओं में बड़ा आक्रोश है, आप या आपके दोस्त इससे प्रभावित हुए क्या? हम तो सेंटर की तैयारी करते हैं, देखो तो पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं बच्चे। 12 महीने तैयारी करते हैं, 12 महीने 2 साल, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो उम्मीदें टूट जाती हैं उनकी। उनके प्लानिंग रहती है कि 12 महीने ये जॉब लगकर हम उसकी तैयारी करेंगे या ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो पेपर लीक उनको तोड़ देते हैं। घर वाले भी, फिर लड़कियां हैं तो वो उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनके बाद उनकी तैयारी भी नहीं हो पाती है, तो ये मुद्दा तो है। और क्या होना चाहिए यदि सरकार आती है आगे तो वो युवाओं के लिए क्या करे और पेपर लीक को लेकर क्या करे?
पेपर लीक को लेकर कड़े कानून बनाने चाहिए, और तो जो बोर्ड है आरपीएससी का उनका उनको ध्यान देना चाहिए, और अच्छा देखना चाहिए युवाओं की तरफ। युवाओं के जो मुद्दे मतलब 12% जो वोटिंग है वो युवाओं की है, तो युवाओं के मुद्दे ही उन्होंने नज़रअंदाज किए हैं सबसे ज़्यादा। उन्होंने वोट बैंकिंग की है, महिलाओं को फोन दे दिए, चुनावी जो मुद्दे हैं मतलब उनको नज़रअंदाज किया है, जो युवाओं के मुद्दे उनको देखा नहीं है। बेरोजगारी भत्ते की भी बात करी थी सरकार ने जब सत्ता में आई थी, वो कहाँ तक मिला आपको लगता है? बेरोजगारी भत्ता हमें तो किसी को मिलता नहीं है यहाँ तक, और जो बंदे फार्म लगाते हैं उनको भी कम से कम 12 महीने या 6 महीने तो फार्म के लिए यहाँ से जाओ, झुंझुनू जाओ, मंडाओ, तहसील जाओ, और फिर एक या दो उनकी किस्त आती है, उसके बाद नंद हो जाती है, फिर वापस जाओ, वापस करवा के आओ, कागज़ करवा के आओ, ये करो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, और यहाँ पे बैठे उनको किसी को नहीं मिलती। कौन से गाँव से हो आप? प्रदेश से। आपको क्या लगता है आपके गाँव में कुछ हुआ क्या 5 सालों में? हाँ, गांव में भी हुआ है, अच्छा काम हुआ है, और मंडाव में भी हुआ है। हमारी विधानसभा क्षेत्र 80 मतलब चल रही है। आपकी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई तैयारी? पढ़ाई करता हूँ। युवाओं को लेकर लगता है कि पेपर लीक का जो मुद्दा है वो विधानसभा चुनाव में प्रभावित करेगा क्या? बिल्कुल सर, ये युवा जितने भी है सर उसी मुद्दे के लिए मतलब बने हैं, और उनको इसका मतलब विरोध करना चाहिए। और वैसे पेपर लीक की बात तो वो सर वो सिस्टम ही है, वो चाहे सरकार किसी की भी हो, सिस्टम अगर मतलब सही नहीं चलेगा ना तो पेपर लीक किसी भी सरकार में होते ही रहेंगे। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांगते हैं आपकी आने वाली सरकार क्या करे? सर ये युवाओं के लिए मतलब कि बेहतर नौकरियां और जो सिस्टम है उसमें सुधार की जरूरत है। मंडावा कस्बे में आपका आना जाना रहता है, लगता है कि 5 सालों में कुछ हुआ है? हाँ सर, हुआ तो है। क्या क्या हुआ, क्या क्या अलग देखा? यहाँ पे सर कृषि कॉलेज आ गई, और अभी जैसे ही मतलब चुनावी मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें वगैरह ये इस पे ध्यान दे रहे हैं। बाकी पिछले 2-3 सालों में तो सड़कें वगैरह ऐसे ही थी। यानी कि अब चुनाव आया तो सड़कें बनी है जी। ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मंडावा में सरकारी कॉलेज नहीं है मुख्यालय पे कस्बे में, तो क्या मानते हैं कि होनी चाहिए सरकारी कॉलेज? जी सर होनी चाहिए सर, यहाँ पे मतलब कि जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं उनको मतलब कि यहाँ से दूर जाना पड़ता है, जैसे झुन्नू हो गया, हेतम सर हो गया इधर की, और थोड़ा मतलब 10 किलोमीटर 8-7 किलोमीटर दायरे में होने चाहिए एक और कॉलेज। आप कहाँ के हैं? क्या लगता है गांव में कुछ हुआ है क्या? गांव में तो सर कुछ नहीं हुआ, देखो अभी गांव में तो क्या होता है मतलब सरपंच करता है गांव में, तो एमएलए का तो क्या रोल है उसमें, और एमएलए तो हमारे रिटाजी हैं पिछले साल से, तो कुछ हुआ भी नहीं है गांव में, कभी आई भी नहीं है, तो क्या बताएं हम उनके बारे में। नहीं तो गांव की डिमांड क्या थी, कोई उपकेंद्र था या स्कूल थी ऐसा? गांव ऐसा कुछ नहीं है, 5वीं तक की स्कूल है हमारे गांव में, और ज्यादा जनसंख्या नहीं है उसके हिसाब से, तो क्या होता है उसमें जनसंख्या के हिसाब से होता है वो, तो जो होता है वो सब। सड़कों की क्या हालत है? सड़कें हमारे गाँव में ठीक है सर, हमारे गाँव में चारों ओर सड़कें हैं, कोई दिक्कत नहीं है सड़कों की, तो वो तो प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके काल से बन रही है वो तो सही है। आस पड़ोस के गांव की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है विकास की या 5 सालों के कार्यकाल? सर आस पड़ोस के गांव की तो हम क्या बता सकते हैं, जाते भी नहीं उधर, बस मंडावा आते हैं अब चले जाते हैं हमारे बस, और ये कोई काम नहीं है ज्यादा हमारा। ये हमारे साथ कुछ युवा थे और इन्होंने बताया कि जो विकास की बातें हैं वो थोड़ी बहुत विकास देखने को भी मिला लेकिन इतना विकास नहीं मिला जितना होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ डिमांड्स भी हैं युवाओं की, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, इस तरह की डिमांड भी सामने आई है। आज हम नेताजी के एग्जिट पोल में बात कर रहे हैं मंडावा की, और लगातार मंडावा के लोगों से जान रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा बताओ 5 साल के कार्यकाल में कुछ मंडावा में हुआ है क्या? एक बार को कुछ ही नहीं हुआ, एक बार चुनाव बाद में जाएंगे जब पता चलेगा कुछ का। नहीं 5 सालों में कोई कुछ दिखा गया पिछले कुछ सालों में? कुछ नहीं दिखा, कोई काम नहीं हुआ। ये सिवरेज जाने बाद में कुछ काम नहीं हुआ, ये सिवरेज मोहल्ले में पूरे मंडावा में खत्म कर दी, अब आना जाना रास्ता खराब हो रहा है। थोड़ा आप बताएं कि मंडावा में 5 सालों में कोई काम हुआ है क्या? सब बहुत काम हुए, क्या काम नहीं हुआ, जैसे आईटीआई कॉलेज आई है, कृषि कॉलेज आई है, रोडों का विकास हुआ है, अभी सीवरेज का काम चल रहा है, पानी की टंकियां आ गई, पूरे गांवों को शहरों से जोड़ दिया गया है, बहुत काम हुए मंडावा में।
कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सड़कें ये तो केंद्र की हैं, रोडों का काम अब शुरू किया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? तो बड़ी जो सड़क है वो है केंद्र की, छोटी जो गलियों में सड़कें वो केंद्र की थोड़ी है, वो तो नगर पालिका की है, वो तो MLA ही करवाएगा उसका काम। तो कॉलेज के लिए भी कह रहे हैं कि तम सर में कॉलेज खोल दी, मंडाव कस्बे में चाहिए थी एक कॉलेज, मंडाव कस्बे में भी आएगी कॉलेज, जल्दी आएगी। तो क्या मानते हैं कि विधायक जो रीटा चौधरी है उन्होंने अच्छा काम किया है 5 सालों में? हाँ, विधायक जी ने अच्छा काम किया है, नरेंद्र जी ने तो 4 साल में अपनी शक्ल नहीं दिखाई, वो तो दिल्ली जाके बैठ गए, अब टिकट लेके चुनाव लड़ने लगे। क्या मानते हैं कि उससे पहले नरेंद्र पहले भी विधायक रह चुके हैं, उस टाइम भी कुछ काम किया था क्या? उस टाइम पे उन्होंने अच्छा काम किया था, अगर वो 4 साल फील्ड में रहते तो आज उनको उनकी टक्कर ही नहीं होती, लेकिन जो सांसद बनते ही वो दिल्ली चले गए, वहाँ से फिर जनता को कुछ नहीं देखा। तो मंडावा के वो प्रतिनिधि रह चुके हैं और दिल्ली चले गए, उनके पास पावर भी ज़्यादा आ गया था, तो उसका फ़ायदा मंडावा को नहीं मिला क्या? 1% भी फायदा नहीं मिला मंडावा को। कारण क्या रहा? कारण तो उनको ही पता, मैं कैसे बता सकता हूँ, कि उन्होंने अगर सांसद बन के कुछ मंडावा के लिए किया होता तो मैं बताता, ऐसे मैं क्या बताऊँ। इन्होंने दोनों जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित, 5 साल में कुछ काम हुआ है क्या? बहुत कुछ काम हुआ है यहाँ पर। क्या क्या काम हुए? विकास का काम बहुत हुआ है, साफ सफाई वगैरह हर चीज़ का काम हुआ है यहाँ पर, बहुत मतलब सुधार हुआ है मंडावा में, सिकावटी एरिया में, अरे बहुत अच्छा काम हो गया, आगे भी काम होगा यहाँ पर। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने काम किए हैं क्या 5 साल में? काम किया है यहाँ पर कोर्ट भी बनाया है यहाँ पर, मतलब जो क्रिकेट ग्राउंड है बहुत कुछ बनाया यहाँ पर, मुझे याद नहीं है, मतलब काम बहुत अच्छा किया यहाँ पर। हाँ जी, हम मंडावा के बाजार में हैं और दुकानदारों से अपन बात कर रहे हैं, 5 साल में मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने काम किया है क्या? बिल्कुल किया है साहब। क्या क्या काम किया, क्या लगता है आपको, कोई कौन से काम दमदार है? सब काम दमदार है, उसके कॉलेज लेके आई, सड़कें बनाई हैं, और भी पानी की टंकियां बनाई हैं, सड़कें तो बहुत बनाई हैं उसने। सामने इस बार सांसद महोदय चुनाव मैदान में है। हाँ है, नरेंद्र जी खिचड़। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 साल शक्ल ही नहीं दिखाई। नहीं दिखाई। नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम मंडावा विधानसभा की बात कर रहे हैं और फिलहाल मौजूद है हितमसर गांव में। हितमसर गांव खुद मंडावा विधायक रीटा चौधरी का गांव है और एक खास बात इस गांव से और जुड़ी है कि इस पंचायत के दो नेता, रीटा चौधरी के पिता रामनारायण चौधरी और डॉक्टर चंद्रभान, दोनों PCC के चीफ भी रह चुके हैं और हम एक एक कर लोगों से जानते हैं। थोड़ा बताएं, 5 साल में मंडावा विधायक के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? विकास बढ़िया, गृह मंडावा विधायक। क्या क्या काम किया, क्या क्या जनता के लिए बढ़िया विकास कर रहे हैं? क्या क्या काम किया, जैसे क्या क्या गांव में क्या क्या किया? नहीं, गांव में कॉलेज दे दी नहीं गांव में, और क्या पंचायत ग्राम पंचायत दे दी नहीं गांव में, और क्या। आप कौन से गांव से हैं? गांव है तुम सरी है। तुम सरी है। क्या काम वास्तव में रीटा चौधरी ने 5 साल काम किया है? बहुत काम किया है रीटा चौधरी ने 5 साल में, जैसे कॉलेज बना दिया, हॉस्पिटल बन रहा है गांव में, फुल सुविधा है हितमसर गांव में। और मंडावा विधानसभा में? विधानसभा में भी बढ़िया काम अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। आप बताएं विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं 5 साल के? अच्छा देख रहे हैं हम तो भाई, काम बढ़िया हो रहा है हमारे गांव के अंदर, तो देखो कोई कमी नहीं है। वैसे तो देखो कोई कुछ कहेगा कुछ कहेगा, उसका तो कोई मनमानी तो चलती किसी की होती नहीं है। गलत है कि कॉलेज बना दिया और पंचायत आ गई और मंडावा में वो तहसील बन गई, कोनी और क्या। कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र है वो 4 साल तक दिखाई नहीं मंडावा विधानसभा में, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये तो सही है, तो 4 साल में कभी आया पूछ लो, किसी को पूछ लो कि नरेंद्र 4 साल में कभी आया नहीं, 4 साल के अंदर कभी आया नहीं एरिया के अंदर है। आगामी जो 5 साल के कार्यकाल में है, क्या मानते हैं कि क्या और होना चाहिए गाँव में या मंडावा विधानसभा? अच्छा होगा कार्यकाल, अगर रिटायरेगी तो अच्छा होगा, और देखो सरकार किसकी आएगी वो तो आगे, तो देखो। आप बताएं 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं हम। रीटा जी ने गांव के अंदर कॉलेज बनाई है, हॉस्पिटल बनाया है, गांव में दो दो बैंक भी हैं, ATM है, मतलब आज के दिन हितमसर गाँव में बहुत सुविधा है। तो खाली हितमसर गाँव में ही है या और कहीं और गाँव में भी? नहीं, और गाँव में भी काम तो किया ही है, ऐसी बात थोड़ी नहीं किया, लेकिन हितमसर में अच्छा काम किया है मैं मानता हूँ, क्योंकि बार भी रीटा चौधरी ही जीतेगी चुनाव।
क्या होना चाहिए और गांव में या आस पड़ोस के गांव में, क्या कुछ और मानते हैं पांच सालों में? पांच सालों में विकास करेगी ये मानता हूं मैं। रीटा चौधरी अगर आ जाएगी तो हकीकत में इतना विकास होगा कि मतलब लोग सोचते नहीं होंगे कि ये क्या हुआ, ये तमसर है, ये वायदपुरा है, रोड है आपकी, फोर लेन हो गई है, ए टू लेन हो गई, तो क्या मानते हैं कि ये केंद्र सरकार की देन थी या रीटा चौधरी के प्रयास? देखो इसके अंदर रीटा चौधरी का भी हाथ है, लेकिन आज इस रोड के रूप में हम मानते हैं तो मैं एक महीने के अंदर 30,000 रुपये कमाता हूँ तो इस रोड के कारण ही तो कमाता हूँ भाई। ये भी तो बिजनेस हो गया ना भाई, कितने आदमी पेट भरते हैं इस सड़क पर। ये बात है नेताजी के एग्जिट पोल में हमने देखा आज मंडावा विधानसभा में, और काफी लोग खुश भी है तो कुछ नाराज भी है, और मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।